सुधीर चौधरी फिर जाएंगे जेल, इस बार नहीं मिलेगी जमानत। ऐसा लगता है कि एंकर सुधीर चौधरी का फेक न्यूज का घड़ा भर चुका है, लेकिन इस बार सुधीर चौधरी की वजह से उनका चैनल आज तक भी कानूनी पचड़े में फंस सकता है। दोस्तों, मैंने आपको कल ये वीडियो दिखाया था जिसमें विस्तार से मैंने आपको समझाया था कि कैसे सुधीर चौधरी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को लेकर एक गलत जानकारी दी कि कांग्रेस सरकार की एक योजना के तहत गरीब मुसलमानों की मदद के लिए ऑटो रिक्शा खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि सुधीर चौधरी की ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने साफ तौर पर कहा था कि इस स्कीम में न केवल गरीब मुसलमान बल्कि गरीब SC ST वर्ग के हिंदू लोग भी शामिल हैं। अब सुधीर चौधरी का ये झूठ पकड़ा गया तो कर्नाटक में न केवल उन पर बल्कि उनके चैनल पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सुधीर चौधरी और उनके चैनल ने FIR होते ही तुरंत अपनी इस वाली खबर का ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन दर्शकों के आगे सुधीर चौधरी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। सुधीर चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली, सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं, इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। यही नहीं, सुधीर चौधरी ने फिर से इसी खबर पर शो करके तर्क दिया कि योजना तो हिंदुओं के लिए थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अब तक नोटिफिकेशन केवल गरीब मुसलमानों के लिए ही जारी किया है, जबकि पहली बार जब सुधीर चौधरी ने खबर बताई तो इस जानकारी को छुपा गए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार सुधीर चौधरी लंबा नपेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।